नमस्कार, निखिल परिपुर में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं धनियावा प्रखंड के धनियावा पंचायत में, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वर्तमान मुखिया नवनीत कुमार जी, जो पहली बार जीत के यहाँ पे मुखिया बने हैं जनता के प्यार और सुनने से। चलिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि विगत एक सालों में कितना कार्य और कितना विकास कर रहे हैं और कितने योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचा रहा है। इन सारे चीजों पर चर्चा पर चर्चा अभी अभी से करने जा रहे हैं, और अपने माध्यम से हम अलग अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, काम कर रहे हैं कि धनियावा प्रखंड के धनियावा पंचायत में कितना कार्य और कितना विकास हो पाया है। सर, बनाने में सर पहला सवाल है, सर जनता ने किया आपको एक साल में कितना कार्य कितना विकास। हमारे पंचायत में जितने भी आज तक जो नई गली है उसका निर्माण कराया जा रहा है, इतना समुदाय द्वारा इतना रिपेयरिंग कराया जा रहा है, इतना जनधन योजना है मेरे पंचायत में, सारे जनधन योजना को रिपेयर कराया जा रहा है, इतना सुविधा का निर्माण कराया जा रहा है, और जितने भी समस्या है उसको निदान किया जा रहा है। मेरे पंचायत में जो भी समस्या है या कहर ब्लॉक लगाना, किसी से करवाना, या स्कूल का जो भी बोर्ड होता है उसका निर्माण कराना, और जो हॉस्पिटल जो यहाँ का स्थिति है वो उसको बनवाना, और सारे प्रयास जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि हमारे परिवार विकसित पंचायत बने। एक पोखर का जिसका निर्माण हमने आपको करवाया, क्या सारे प्राप्ति थी और अभी पहले तो मेरे पंचायत में दरियावा शिव मंदिर के बगल में तालाब का 4 एकड़ वार्षिक स्थल था, उसको अभी आपने जाकर देखिएगा, या तो सारे पंचायत वासी प्रखंड वासी भी देखे उसमें मैं सभी निर्माण करवाया हूँ, पूरा पोखर अच्छे से खुलवाया हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जहाँ समाधान यात्रा के समय में मैं उनको लाने का काम किया और दिखवाया था, और जो भी उनसे भी मैं मांग किया था कि हमारे पंचायत में इसको और बेहतर बनाने के लिए जो भी सुविधाएँ उपलब्ध है, और उन्होंने कहा था जो भी इसके लिए होगा हम करेंगे। मनरेगा के तहत कितना कार्य हो पाए? मनरेगा के तहत रिवर ब्लॉक लगा है, मनरेगा के तहत WCS बना है, और मनरेगा के तहत जितने प्लांट है पोखर अलंग का निर्माण कराया जा रहा है, और जो भी समस्या है आप मनरेगा के तहत ही काम कराया जा रहा है। जनरल जलन योजना तो हमारे 7 पंचायत PST का है जो चल रहा है, और 7 पंचायत ग्राम पंचायत से उसका भी स्थिति बहुत बेहतर है, और सारे 14 वार्ड में मेरा जनधन योजना सही सुचारू रूप से चल रहा है। गरीबों की सड़क की स्थिति ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मातृवंशी योजना में सड़क का स्थिति जो भी हमारे पंचायत में सड़क है उसका मैं ग्रामीण विभाग में जान ग्रामीण का विभाग में मैंने स्थिति मिलने को लिख के दिया, और माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं लिख के दिया हूँ, और उसके लिए वो सर्वे करके गया है, और इसके द्वारा आश्वासन दिया गया है उसको जल्द से जल्द आपके पंचायत उसके लिए मांग कराया गया। देखिए, अब इस बार जो है जीत के आने के बाद नवीन कुमार ने पहले जनता के साथ बैठक किए, जनता के साथ बैठक करने के बाद उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, और फिर धीरे धीरे करके उन सारे चीज़ों को जो पहले पहले प्राथमिकता के साथ आता गया उसका निदान करते गए, उसका सुधार करते गए और विकास करते गए। सामूहिक शौचालय और सामुदायिक भवन की स्थिति है, समुदाय भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर थी, उसको मैं निर्माण करा रहा हूँ, और पंचायत भवन को भी निर्माण करा रहा हूँ, और जो भी हमारे पंचायत में समुदाय भवन है मैं एकत्र करके सभी को अच्छे से उसको मैं रिपेयर करा के निर्माण करूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी क्या स्थिति है, और आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख का जो दिया गया था, आयुष्मान कार्ड जो 5 साल के लिए सरकार ने दिए हमारे ग्राम पंचायत में, आज ये स्थिति है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके पास जो आयुष्मान कार्ड पहले से था, और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि फिर उसको पुनः उसको सर्वे करा के उसको बनवाने का काम कराया जाए, ताकि हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी लोग जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको जल्द से जल्द कार्ड बनाया जाए। मानते हैं अभी भी बहुत सारे लोग वंचित हैं, बहुत सारे आयुष्मान कार्ड के अभी लाभ जो भी हैं वो बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, क्योंकि आज के क्षेत्र में देखते हैं प्रदूषण इतना फैला है, तो आपसी जो समाज में समस्या आ रही है उससे दिखाने में गरीब लोगों को आसान होता है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है, जो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है,
और इसको अपग्रेड करके CHC बनाया गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द CHC का दनियावा में अनुमंडलीय 26 बेड का हॉस्पिटल है इसका निर्माण कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना जब मैं ग्राम पंचायत के चुना तो उसके बाद 100 के आसपास मेरे पंचायत में ग्राम लाभुक बच रहे थे उनको दे दिया गया है और मेरे यहाँ सुन है और अभी उसके बाद किराया का तो अक्सर सुनने में आया जैसे अभी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बात सामने आती है ऐसे में वो कई समस्या से आपको मैं जब मुखिया ग्राम पंचायत नियामा पर बना तो मैं सारे जितने भी लाभुक था मैंने उनके साथ एक बैठक किया ग्राम सभा बुलवाया और ग्राम सभा में सभी लाभुकों को मैंने कहा कि आपका पैसा है और किसी को एक रुपया आप नहीं दीजिए और यदि कोई मांगता है तो आप हमको बताइए और अभी तक तो ऐसा मेरे पंचायत में सुना चाहिए। अब मुख्य समस्या आपके यहाँ बात करिए मुख्य समस्या आपके यहाँ क्या है जो आप सरकार को अवगत कराना चाहते हैं? मेरे यहाँ अभी मूल रूप से समस्या है पानी निकासी। पानी निकासी कन्यामा ग्राम का है वो रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है पहले से जब आबादी बढ़ी और पहले तो चापाकल था अब समर सेबल वगैरह और जनरल योजना के तहत जो भी ट्यूबवेल गाड़ा गया है मेरे ग्राम पंचायत कन्यामा ग्राम में उससे पानी ज़्यादा बढ़ रही है और उसका निकास की समस्या नहीं जिसकी रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया इसलिए मैं रेलवे के वरीय पदाधिकारी से भी दिया जाए ताकि मैं अपने ग्राम पंचायत और दनियावा गाँव को सुंदर और तो अभी आप सुन रहे थे रोहित कुमार जी को जो दनियावा प्रखंड के दनियावा पंचायत से मुखिया के पद पे हैं और लगातार विकास कार्य को यहाँ पे दौड़ा रहे हैं जनता के बीच जनता के सहयोग से। मुख्य समस्या एक पानी की जल जमा समस्या को लेकर है जिसके अभी हम मदद कराएं और हम अपने माध्यम से आला अधिकारी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यदि रेलवे के साथ इनके सामंजस्य को बैठ जाया जाता है और उसकी एक रूप तैयार हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका समस्या का भी ये निदान हो जाएगा। दूसरा इनके राशि आवंटन को लेकर भी इनको समस्या है कि जल्द से जल्द जो है राशि आवंटन नहीं हो पा रहा है पंचायत में जिस कारण से भी विकास करने में जो है समस्या आ रही है। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। नमस्कार।